वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बर्फी मूवी के क्यों ना हम तुम इस साइलेंट सॉन्ग के बीट सिंग पर टेक्स्ट रे एनिमेशन प्लस बीट सिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकीपेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है ऑल मटेरियल्स के सामने, उस लिंक पे क्लिक करने पर आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट, सेकीपेक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट और सेकीपेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखिए और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आपको सबसे पहले इंपोर्ट किए हुए सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा क्यों ना हम तुम ए वाला साइलेंट लोफी ऑथेंटिक गाना है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बीट मार्क ऐड कर दिए है। दोस्तों इसमें कुल 27 बीट्स है, उन 27 बीट्स में हम इमेजेस यूज करेंगे और जो हमारे पहले दो लिरिक्स है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 2.03 सेकंड पर आना है। 2.03 सेकंड पर आने के बाद 2.03 सेकंड पर एक इस वाले बटन की मदद से एक बीट मार्क ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये पहला 0 सेकंड से लेकर 2.03 सेकंड पर और 2.03 से लेकर 5.06 सेकंड तक हम दो लिरिक्स ऐड करेंगे। उस लिरिक्स को ऐड करने के बाद आगे वाले जो हमारे 27 बीट्स है उन 27 बीट्स में हम इमेजेस ऐड करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लिरिक्स ऐड करेंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गाने को सुन लेना है। गाने को सुन लेने के बाद आपको 0.014 सेकंड से आप लिरिक्स लिख सकते हैं। पहला तो आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। वहां पर आने के बाद टेक्स्ट में जाना है और पहला लिरिक्स आपको लिखना है क्यू। क्यू का के है वो पहला लेटर, उसको कैपिटल रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर कलर का, उस पर क्लिक कर दीजिए और व्हाइट या आपको जो भी अच्छा कलर लगता है वो रख दीजिए। मैं यहाँ पर व्हाइट ही कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर इस वाले कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लगे हमारा स्टेटस। दोस्तों कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से रोबोट रेगुलर यहाँ पर फॉन्ट हमारा होता है डिफॉल्ट, उस पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाना है और बेसी फॉन्ट को आपको ऐड कर देना होगा। दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में फॉन्ट कैसे इंपोर्ट करते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूजफुल वीडियोज ऑल टाइम्स के सेक्शन में मिल जाएगी मिडल में। उस वीडियो को देखकर आप अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में इजीली कौन सा भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला फॉन्ट है बेसी, इसकी डाउनलोड लिंक आपको ऑल मटेरियल्स में मिल जाएगी। सिर्फ आपको फॉन्ट को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में और सिलेक्ट कर दीजिए फॉन्ट को। फॉन्ट को सिलेक्ट कर देने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर तीन नंबर वाले रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस हमारे जो लिरिक्स है उसकी साइज को इंक्रीज कर देना है, क्योंकि हमारा एक ही लेटर है तो हमें इसकी साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी होगी। तो दोस्तों इसकी साइज करीब करीब रख दीजिए 2000 पिक्सल के आसपास और इसको अच्छी तरह से मॉडल में सेट कर दीजिए। मॉडल में सेट कर देने के बाद पहले वाले बिटमार्क पर जाना है और इसका जो आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर दीजिए। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, सिंपली से इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, डबल रेक्टेंगल शेप और आगे वाला प्लस का आइकॉन है उस पर क्लिक कर देने के बाद डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए और जो हमने डुप्लीकेट लेयर किए उसको होल्ड करके रखिए और 2.04 सेकंड तक एक्सटेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको उस वाले डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट कर देना है और जहां पर हमारा दूसरा बीट मार्क है 5.06 सेकंड पर वहां तक इसको एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड करने के बाद आपको एडिट टेक्स्ट में जाना है और हमारा दूसरा लिरिक्स है जो ना हम तुम, तो ये वाला लिरिक्स लिख लेना है। ये वाला लिरिक्स लिख देने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको अच्छी तरह से मिडल में सेट कर देना है। इसकी साइज को अब आपको कम कर देना होगा, इसकी साइज करीब करीब रख दीजिए दोस्तों 1700 पिक्सल के आसपास।
1600 या 1700 पिक्सल। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसकी भी कम करना चाहते तो भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो, अगर नहीं करना तो ठीक है। तो दोस्तों ये वाला हमारा लिरिक्स यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इफेक्ट से वो बाद में ऐड करेंगे, उससे पहले इमेजेस ऐड करेंगे। इमेजेस ऐड करने के लिए आपको 5.06 सेकंड पर आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, और जिन भी इमेज पर आपको ये वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम अनुपमा परमेश्वरम के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, इमेज सिलेक्ट करने के बाद इमेज को आपको करना है सिंपली से, मैं आपको इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। दोस्तों इमेज सेलेक्ट कर देने के बाद सिंपली से आपको राइट साइड वाले 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन पे इनेबल कर दिए दोस्तों, हमारा वीडियो फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बिटमार्क पर जाकर इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस वाले बटन की मदद से कट कर दीजिए। दोस्तों मैं आगे के हमारे 27 इमेजेस है, उन 27 इमेजेस को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ, तब तक की वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स ऐड करने हैं। इफेक्ट्स ऐड करने के लिए आपको जो मैंने सेक इफेक्ट प्रीसेट प्रोवाइड की है उसको ओपन कर लीजिए। सेक इफेक्ट प्रीसेट में 3 इफेक्ट्स है, पहला हमारा लिरिक्स वाला, दूसरा और तीसरा फोटो है वो हमारे हीरोइन के फोटोज है वो हम फोटोज पे यूज करेंगे, और जो हमारा लिरिक्स वाला लेयर है टेक्नोजे नाम वाला उस पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है, इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट्स में जाकर इस इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर दीजिए और हमारे सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करके जो हमारे स्टार्टिंग के दोनों भी लिरिक्स वाले लेयर है उन दोनों भी लिरिक्स वाले लेयर पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद अब हमें इसमें जो हमारा जो रेज होंगे उनमें कलर इफेक्ट दे देना है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली से जो हमारा लेयर स्टार्ट होता है लिरिक्स वाला वहां पर आ जाना है 0.13 सेकंड पर। वहां पर आने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इस वाले रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। कलर एंड फिल्म में जाकर कौन सा भी एक अच्छा सा कलर सिलेक्ट करके इस वाले लेयर को आपको जहां पर हमारे लिरिक्स एंड होते हैं वहां तक एक्सटेंड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है, और इसमें हमें मैन्युअली कलर एंड लाइट में से यूजिफ्ट वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जहां पर हमारा रेक्टेंगल शेप स्टार्ट होता है वहां पर एक एनिमेशन लगा देना है, और जहां पर एंड होगा रेक्टेंगल शेप वहां पर एक एनिमेशन लगाकर यूजिफ्ट को आपको इंक्रीज कर देना है। जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं आप उतना कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको मैक्सिमम करेंगे बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसमें कलर चेंज होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको सेट कर देता हूँ 2x+3x तक। दोस्तों इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से जाना है ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में और कॉन्ट्रास्ट में ओवरले इफेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर इसमें ए वाला इफेक्ट हमारा लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप व्हाइट कलर को भी सिलेक्ट कर है तो दोस्तों यहां पर इफेक्ट काफी अच्छा लगेगा। तो मैं यहां पर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके दिखाता हूं हमारे इस वाले, तो टेक्स्ट में जाता हूं और व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर देता हूं। तो उसमें आपको दिखाने के लिए यहां पर देखिए दोस्तों, व्हाइट कलर को अगर आप टेक्स्ट में सिलेक्ट कर दे तो और भी अच्छा लगता है ये कलर हमारा, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हमारा लिरिक्स वाले इफेक्ट तो इसमें ऐड हो चुके हैं, अब हम इमेजेस में इफेक्ट्स ऐड करेंगे। इसके लिए आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है, पहले इमेज हमारे होगी हीरोइन की उसके इफेक्ट्स को कॉपी कर लीजिए। दोस्तों मैं जो आपको इमेजेस का टाइमिंग बताऊंगा या इमेजेस का सीरियल बताऊंगा, सिर्फ बताए हुए इमेजेस पर ही बताए हुए इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो फोटो होगा 5.06 सेकंड वाला, उस पे आपको वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद जाना है 7.18 सेकंड पर, 7.18 सेकंड पर जाने के बाद ये वाला इफेक्ट फिर से एक बार पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद 10.01 सेकंड पर लगा देने के बाद 14.27 पर ये वाला इफेक्ट लगा देने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको 17.10 पर लगाने के बाद 19.23 पे लगा देने के बाद 22.06, 24.19 और 27.01 इन 9 इमेजेस पर आपको ये वाला पहला इफेक्ट ऐड कर देना है। इन 9 इमेजेस पर पहला वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद हमारे सेकेंड प्रीसेट को ओपन कर लीजिए और दूसरे हीरोइन की इमेजेस के इफेक्ट्स आपको कॉपी कर लेना है। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद दोस्तों अब आपको बचे हुए 18 इमेजेस होंगे, मैं आपको टाइमिंग के साथ बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले 6.10 सेकंड पर वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, उसके बाद 8.25, 9.22, 11.07, 12.14 से लेकर 14.27 के बीच में जो 6 इमेजेस होगी उन 6 इमेजेस पर 16.03, 18.16,
20.29, 23.12 और 25.24, 28.07 से लेकर एंड तक जो तीन इमेजेस है यानी टोटल 18 इमेज पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। 18 इमेज पर दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी पेज पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दिए दोस्तों, हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखा देगा, राइट साइड में उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना है, वीडियो को एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों, आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों में नहीं होगा तो दोस्तों आप लेटेस्ट वाला एलिट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।